फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंकाज किचन। आज हम बनाएंगे स्पाइसी राजमा करी। राजमा करी बनाने के लिए मैंने ये राजमा लिया है। इस राजमा को 8 घंटे पहले पानी में भिगोया है। उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में 2 सीटी निकलने तक मैंने पकाया है। देखो इस तरह से ये राजमा सॉफ्ट बन गया है। देखो इस तरह से पक गया है। और जब राजमा पकाते समय उसमें मैंने पानी डाला था, वो भी पानी में करी में यूज़ करने वाली हूँ। और ग्रेवी का मसाला बनाने के लिए मैंने लंबा कटा हुआ प्याज और थोड़ा कद्दूकस किया नारियल, इसको अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को मैंने भुना है। और काजू सबसे पहले पानी में भिगोया है। एक टमाटर, उसको भी बॉईल करके ऊपर का छिलका निकाला है। 3-4 पुदीने के पत्ते और थोड़ा हरा धनिया और एक भुना हुआ प्याज और नारियल, ये सब चीज़ों की प्यूरी बनाना है। मिक्सर में उसको अच्छा से पीसना है। अदरक और लहसुन की पेस्ट, टेस्ट के लिए नमक। स्पाइसी राजमा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लाल मिर्च पाउडर तो लगेगा। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। जीरा और गार्निशिंग के लिए कटा हुआ हरा धनिया। हम ये सारी चीज़ों की सबसे पहले पेस्ट बनाते हैं। उसको मिक्सर में अच्छा सा पीसना है। देखो इस तरह से मैंने वो सारे टमाटर, काजू, भुना हुआ प्याज, पुदीना, थोड़ा हरा धनिया डाल के उसकी पेस्ट बनाई है। इधर पैन गरम करने के लिए रखा है। सबसे पहले इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। देखो स्पाइसी राजमा करी है तो उसके लिए मैंने थोड़ा तेल ज़्यादा डाला है, क्योंकि मैं तरी वाली स्पाइसी राजमा करी बनाने वाली हूँ। प्यूरी बनाते समय मैंने काजू का यूज़ किया है। काजू को 2 घंटे पहले पानी में भिगोया है। आप काजू पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। काजू पाउडर आपको पसंद नहीं है तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। जब आप क्रीम डालते हो तो भी राजमा करी बहुत अच्छी बन जाती है। तेल गरम हुआ है, इसमें डालते हैं जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें डालते हैं ये अदरक और लहसुन की पेस्ट। अभी इसमें डालते हैं धनिया, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, एक साथ ही मैंने डाला है। और एक गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल लेते हैं। नमक भी इस टाइम भी इसमें डाल देते हैं। और ये मसाले अच्छा सा भुनना है। जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होता है तब तक इसको भुनना है। वाह, देखो इसमें से तेल अलग होने लगा है। बहुत अच्छा एक ग्रेवी का कलर आया है इस तरह से। अभी मैं इसमें डालती हूँ ये राजमा पकाते समय एक राजमा का पानी। देखो मैंने यहाँ सिर्फ 1/2 कप पानी डाला है। मैंने ग्रेवी थिक रखी है। अब इसमें ऐड करेंगे ये
इसको बिल्कुल धीमे आग पर 2-3 मिनट के लिए पकना देते हैं। आपको बटर पसंद है तो ऊपर से आप बटर भी डाल सकते हो। वाव देखो, बहुत अच्छी राजमा करी बन गई है। मैं अभी इसको सर्व करती हूँ। देखो मैंने ज्यादा थीन भी नहीं करी बनाई है और ज्यादा थिक भी नहीं। देखो इसको मैंने सर्व किया है और गार्निशिंग के लिए थोड़ा हरा धनिया भी इसके ऊपर डाल दे। देखो कितनी अच्छी राजमा करी बन के तैयार है। एक गर्मा गर्म राजमा करी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ और चावल के साथ खा सकते हो। आप भी जरूर इस तरह से स्पाइसी राजमा करी बनाइए और खाइए। आपके अनुभव शेयर कीजिए मेरे चैनल के लिए, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।